जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों मैं आशुतोष। दोस्तों देखते हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ कितना हो सकता है, जिसमें हम डीएमए का देखेंगे, डीएमएस का देखेंगे, एक्चुअली डीएमएस है, और सीएमए का कट ऑफ देखेंगे, ठीक है, और साथ में जूनियर इंजीनियर का भी देखेंगे, ठीक है, और साथ में जोन वाइज कट ऑफ देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, आपको पता होगा इसमें वैकेंसियाँ जो हैं वो लगभग 13.5K है, और फॉर्म फिलअप जो हुआ है लगभग 25 से 26 लाख फॉर्म फिल हुआ है, और अपियर्ड कितने लोग अपियर हुए, लगभग 20 लाख लोग अपियर्ड हुए हैं, और CBT2 में जो है वो 15 टाइम्स लेंगे, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 लाख लोगों को लिया जाएगा CBT2 में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि मैं बात करूँ, आप जिस जोन से हैं उसके 15 गुना जितनी भी सीटें हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1000 उस जोन से हैं, तो 15 गुनी लगभग आप समझ लीजिए कि 15,000 लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि 15,000 हज़ार सीटें हैं मान लीजिए अगर, तो 15 गुना लिया जाएगा उस जोन से, पर्टिकुलर जोन से, ठीक है। जैसे CMA है, इसमें मान लीजिए 20 सीटें हैं, तो 15 गुना इतने लोग को सेकेंड राउंड में लिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कट ऑफ कितना हो सकता है, तो कट ऑफ जो दोस्तों है, पहले पहले हम बात करते हैं CMA और DMS की बात करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, CMA और DMS की। तो दोस्तों ये कुछ हाई कट ऑफ, ये कुछ मतलब कि नॉर्मली कुछ हाई कट ऑफ जोन है, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, काफ़ी हाई जोन कट ऑफ माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ का दोस्तों CMA DMA का जो आपका कट ऑफ हो सकता है वो लगभग दोस्तों 53 से आपका जो कट ऑफ हो सकता है वो लगभग 55 तक ही जाएगा, ठीक है। तो CMA DMA में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, लेकिन ये जो जोन है यहाँ आपका 53 से 55 तक ही आपका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। मैं एक बार भी बता देता हूँ, ये जो जोन हाई कट ऑफ है जो मैंने अभी बताया था, तो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है CMA DMA का इन जोन से अगर आप हैं तो 53 से लेकर 55 ही तक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या है CMA DMA में बता दूँ, BSC वाले बहुत कम फॉर्म फिल हुए हैं, एक्चुअली बहुत लोग को पता ही नहीं चल पाया कि जूनियर इंजीनियर का है और BSC वालों का मतलब वैकेंसी आई है, तो काफ़ी कम लोगों ने फॉर्म भरा है, इसलिए इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला CMA DMA का CBT1 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर जोन, अदर तो हम सभी इंक्लूड कर देते हैं, अदर जोन में सभी जितने जोन बचते हैं तो सभी को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ का जो दोस्तों आपका कट ऑफ जाने वाला है वो 48 से लेकर 53 ही तक जाएगा, ठीक है, 43 से 53 तक ही जाएगा, सभी जितने कैटेगरीज आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, हल्का सा डिटेल बता देता हूँ कि अगर आप, फिर से मैं एक बार नॉर्मली बता देता हूँ, CMA DMA में और नॉर्मल आप किसी भी जोन से हैं तो आपका जनरल का जो दोस्तों जाएगा वो लगभग आप समझ लीजिए 48 से लगभग 53 तक जाएगा, OBC जो है 46 से लेकर 51 तक जाएगा, और ST का दोस्तों जो है वो 40 SC है, SC का जो दोस्तों है वो 44 से लेके 48 तक जाएगा, और ST का जो है वो लगभग 42 से लेके 45 तक जाएगा, ठीक है। तो ये है DMA और CMA का आपका जो लो जोन है, और हाई जोन का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ हाई जोन का भी एक बार बता देता हूँ कि आपका लगभग दोस्तों 53 से लगभग 55 तक जाएगा, और OBC से हैं तो आपका 50 से लेकर 52 तक जाएगा, और अगर आप SC से हैं तो 48 से लेकर 50 तक जाएगा, और अगर आप ST से हैं तो 45 से लेकर 47 तक जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी लो कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन ये थोड़ा हाई जोन कट ऑफ है, जैसे इलाहाबाद हो गया, अभी मैंने नाम लिया था, अजमेर हो गया, कोलकाता हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ इतना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने बता रखा था नॉर्मल जो जूनियर इंजीनियर का कट ऑफ कितना हो सकता है, तो वो मैंने ऑलरेडी सर्वे भी मैंने लिया था, और अभी भी सर्वे चल रहा है, लोग वोट दे रहे हैं, तो ओवरऑल जो उनसे पता चल रहा है दोस्तों, लोग अटेम्प्ट तो किए हैं, अटैम्प्ट तो लोगों ने दोस्तों 70-80 करके आए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को क्या है 5, 6 से 7 बोल रहे हैं कि GK गलत हो गया, करंट अफेयर गलत हो गया, साइंस गलत हो गया, ठीक है। तो अटैम्प्ट सब मिला के दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो लोग मतलब ऑन एवरेज 70 किसी का सही हो रहा है, किसी का 65 सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो लोग लो जोन वाले हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया इलाहाबाद अजमेर को छोड़ के,
तो उनका जो बेसिकली जो दोस्तों कट ऑफ जाने वाला है वो बहुत ही कम जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लगभग समझ लीजिए आपका 54 से लेकर 59 तक जाएगा, ठीक है, जनरल का। जो बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि आप बेंगलोर से हैं, सिलीगुड़ी से हैं, तो यहाँ इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि सी बी टी वन में ज़्यादा लोग को लेते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ, 50 से लेकर दोस्तों 54 तक जाएगा, ये दोस्तों 48 से लेकर 51 तक जाएगा, और ये 45 से लेकर आपका यहाँ 47 तक जाएगा, ठीक है। अब हम साथ में देख लेते हैं हाई कट ऑफ जोन वाले में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो हाई कट ऑफ जोन मैंने भी बताया था, अजमेर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, भोपाल हो गया, आपका पटना हो गया, रांची हो गया, रांची को भी इंक्लूड है, ठीक है, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, और चंडीगढ़ हो गया। तो यहाँ दोस्तों जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो दोस्तों लगभग आप समझ लीजिए कि 59 से लेके 64 तक ही जाएगा, ठीक है। और ओबीसी का जो आज जाने वाला है वो 56 से लेके 60 तक जाएगा, और एससी और एसटी का जो जाएगा दोस्तों वो जाएगा 52 से लेके 58 तक जाएगा, और एसटी का जो जाने वाला है दोस्तों 49 से लेकर 52 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हाई कट ऑफ जोन वाले हैं, सारा मैंने अच्छे से बिल्कुल बता दिया है। और दूसरी बात ये कि इतना अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और एक चीज़ और बताएं कि आपका जो कट ऑफ बनेगा ना वो कहीं ना कहीं ब्रांच वाइज बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैकेनिकल में ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। अब मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में कम लोग हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वहाँ थोड़ा 1 से 2 नंबर कम जा सकता है। तो आपका ब्रांच वाइज जोन वाइज कट ऑफ बनेगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ दोस्तों, कट ऑफ क्यों कम जाएगा मैं कुछ आपको रीज़न भी बता रह रहा हूँ, ठीक है। कुछ रीज़न मैं आपको कट ऑफ कम जाने का बता रहा हूँ दोस्तों। एक ALP है, ALP को हम 100% नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन ALP में सीटें भी ज़्यादा थी, नो डाउट सीटें ज़्यादा थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी ALP में क्या हुआ था कि जस्ट आप समझ लीजिए कि जिसका अगर मान लीजिए कि जस्ट जो मिनिमम कट ऑफ होता है ना उन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो मिनिमम तो नहीं मान सकते, लेकिन आप 10-15 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ 60,000 सीटें थी। और इसको और दूसरा कारण ये है कि दोस्तों इसमें केवल इंजीनियर्स ही दे सकते हैं, इस पेपर को दिए हैं, ठीक है, और फॉर्म काफ़ी कम फिल्ड हुए हैं एज कम्पेयर टू अगर आप देखें ALP का, जब अगर देखें कंपेयर, वहाँ फॉर्म भी बहुत काफ़ी अच्छा खासा फिल्ड हुआ था। तो दोस्तों यहाँ एक कारण ये है कि इंजीनियर है, BSc हो गया, BCom हो गया, आर्ट हो गया, ठीक है, नॉर्मली आर्ट हो गया, ये सब लोग क्या है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपका कट ऑफ थोड़ा मान लीजिए कि कम कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ जानकारी थी जो मेरे को देना जरूरी थी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।